हेलो दोस्तों, पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है कि म्यूचुअल फंड में जो हम निवेश करते हैं तो एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। जब हम म्यूचुअल फंड के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं कि एग्जैक्ट काम कहाँ पे होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ पे ये जाता है। तो ये सारी जानकारी ये आज की वीडियो में क्लियर होगी। स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी एनालिसिस आप कर रहे हो, टेक्निकल डेरिवेटिव्स एनालिसिस देख रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस देख रहे हो, तो ये सारे सब्जेक्ट के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं और नए नए वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो आपको सबसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपके सारे डाउट ये वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये जानना है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है क्या। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड मतलब ये ऐसा इन्वेस्टमेंट स्कीम है दोस्तों, जहाँ पे आपका जो पैसा है एक पूल अकाउंट में लिया जाता है। फंड मैनेजर आपका पैसा लेता है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, मतलब इक्विटीज और बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड हो गया। मतलब नॉट नेसेसरी कि म्यूचुअल फंड का सारा पैसा ये स्टॉक मार्केट में ही आना चाहिए। ये बॉन्ड्स मतलब डेप मार्केट में भी जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी डेप मार्केट है, और गोल्ड में भी इन म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। तो इस अलग अलग जो है इंस्ट्रूमेंट टाइप है जिसमें निवेश होता है और आपका इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे पार्क करता है। लेकिन ये पार्क कौन करता है? ये पार्क करता है फंड मैनेजर। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड लेने जाते हो तो सबसे पहले आप जिस म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड में जो कंपनी काम करती है, मतलब म्यूचुअल फंड में जो पैसा इकट्ठा करने वाली जो कंपनी होती है, जिसके पास लाइसेंस होते हैं, उसे AMC कंपनीज कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जैसे हो गया आपका DSP म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI प्रूव हो गया, HDFC वाला हो गया, ICICI प्रूव हो गया, तो ये सारे म्यूचुअल फंड से जहाँ पे काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ आपको म्यूचुअल फंड मिलेंगे अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो। तो ये सारी AMC कंपनी है जो आपसे पैसा लेती है, और फिर ये पैसा कौन मैनेज करता है, राइट, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि अभी ये पैसा कौन मैनेज करता है। यस दोस्तों, ये पैसा मैनेज करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। ओके, ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर एक एक्सपीरियंस बंदा होता है जिसका जो टारगेट है ये स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ही अच्छे से, मतलब बेटर रिटर्न निकाल के देने के लिए ये बैठा हुआ है बंदा। इसका जॉब वही है कि आपको जो रिटर्न मिलेंगे ये बेटर होने चाहिए, निफ्टी से भी अच्छे रिटर्न आपको मिलने चाहिए। तो इसके लिए वो जो है पूरी उसकी स्टडीज लगाता है वहाँ पे। ओके, और आपके बिहाफ में वो स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग करता है, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, गोल्ड, आपके बिहाफ में करता है। ओके, तो ये जो परफॉर्मेंस होता है, राइट, मतलब जैसे फंड मैनेजर परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से ही आपका इन्वेस्टमेंट परफॉर्म करेगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली ये फंड मैनेज कौन कर रहा है और उसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हो कि मेरा ही जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो उसके फंड मैनेजर भी अच्छे तरीके से वहाँ पे बहुत ही नॉलेजेबल है, क्योंकि ये बंदा ऐसा एक इंडिविजुअल होता है, एक टीम होती है पूरी तरीके से, वो पूरी तरह उसको मैनेज करती है और काफ़ी हाई क्वालिफाइड ये बंदे होते हैं। ठीक है, तो उनको वहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, काफ़ी स्टडीज उनको करना पड़ता है, तब जाके आपको एक स्टॉक मिलता है और मतलब आपको एक अच्छा रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता है दोस्तों। तो ये साइकिल कैसे चलती है? ओके, तो साइकिल सिंपल है। पहले ये जो इन्वेस्टर है ये फंड मैनेजर के पास मतलब पैसे दे रहा है, मैं AMC कंपनी के बारे में कहूँगा यहाँ पे, जो फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। उसके बाद ये फंड मैनेजर सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा ये जाता है, यहाँ पे रिटर्न्स मिलने के बाद यहाँ पे ये रिटर्न्स बनते हैं और यही रिटर्न्स वहाँ पर इन्वेस्टर को दिए जाते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड मतलब है क्या कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है मार्केट के बारे में दोस्तों, कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं बेनिफिट लेता हूँ, तो मैं लेता हूँ ये फंड मैनेजर की एडवाइस इनडायरेक्टली। ओके, बाय बाइंग द म्यूचुअल फंड, मतलब ये जो बंदा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है मैं वहाँ पे एग्री हूँ। तो ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता ही है हमेशा, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो तो उसको सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर इक्विटीज में जा रही है तो फिर मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर आपकी रिस्क वहाँ पे कम ज़्यादा होती है। ओके,
तो म्यूचुअल फंड के टाइप कौन से हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड है। उसके बाद देखेंगे तो अभी जो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, अभी थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान में आ जाएगा कि बेसिकली जो आपसे पैसा लिया जाता है ये अलग अलग, मतलब आपको कैपिटल गेन ये कमा के देना होता है फंड मैनेजर को, तो ये अलग अलग एसेट्स में आपका पैसा लगाता है दोस्तों। और जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस होती है उस तरीके से यहाँ पे एनएवी निकाली जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। ये एसेट वैल्यू जो स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी कैसे होते हैं म्यूचुअल फंड जो एएमसी कंपनीज होती है उनके एक स्कीम नहीं होती, काफ़ी सारी स्कीम होती है, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड होते हैं, ओके, जैसे डेट फ्री म्यूचुअल फंड होते हैं, फिक्स इनकम वाले म्यूचुअल फंड होते हैं, जिस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में कवर होता है पॉइंट, तो उसका वीडियो आप देख लीजिएगा ये वीडियो खत्म होने के बाद। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे आप जाने वाले हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उस अलग अलग एनएवी होती है, अलग अलग प्राइस ये होती है, ठीक है। और यही जब आपका पैसा बन जाता है तो आप वहाँ पे आपको ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो, मतलब रिडीम कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड काफ़ी लिक्विड होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लिक्विड और डेट फंड जो है फिक्स वाले भी होते हैं, ठीक है, वो हमने जो है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में ये कवर किया, तो प्लीज़ उसको आप प्रेफर करिएगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क होता है और मुझे एनएवी वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे पैसे कैसे बनते हैं, ओके, एक बेनिफिट कैसे होता है वो हम देखेंगे। इसमें बेनिफिट ऐसा होता है दोस्तों कि खास करके कैपिटल एप्रिसिएशन ये सबसे इम्पोर्टेंट एक बड़ा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आपकी एनएवी बढ़ती रहेगी और आपको मुनाफा मिलता रहेगा, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये बढ़ा हुआ जो पैसा आपका विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, इनकम मंथली इनकम है या फिर सालाना फिक्स इनकम प्रोडक्ट जैसे डिविडेंड वाला है, जिसमें आप वो म्यूचुअल फंड में पैसे डाल के वो भी आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो जो बॉन्ड्स होते हैं, मतलब डेट फंड होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट अर्न करने के लिए मिलेगा, और जो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको डिविडेंड अर्न करने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से ये बेनिफिट्स होते हैं जो आप, जिसके लिए फंड मैनेजर ट्राई करता है कि आपके कैपिटल एप्रिसिएशन जब बहुत अच्छा हो, और आपको अगर आप इनकम प्लान के लिए देख रहे हो रेगुलर इनकम के लिए, तो डिविडेंड अच्छा मिले, ठीक है। तो यही स्टडी फंड मैनेजर को करनी पड़ती है और तब जाके आपका पैसा उस पर वो निवेश करता है। अभी इसमें खास करके लमसम करना चाहिए या फिर SIP करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोज बनाए हुआ है। तो अभी मैं जस्ट SIP का जो, मतलब जो ज़्यादा वर्क होता है SIP, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब हमें सैलरी मिलती है तो हम अगर रेगुलर एक ECS अगर हर महीने 5,000, 2,000, 3,000 जो भी आप करते हो, 500 रुपये भी आप करते हो, तो एक वहाँ पे कंपल्शन आपको आ जाता है कि आपको उतना पैसा अकाउंट में रखना ही है, क्योंकि वो हैबिट लग जाएगी, अदरवाइज आपके पास पैसा बचेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो बेनिफिट होता है SIP का, वही होता है कि जो छोटा छोटा पैसा आपके अकाउंट में जमा हो रहा है तो वहाँ पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, ओके। और वो कैसे मिलता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने कोई म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट की है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि जनवरी से नवंबर दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक मैंने 2,000 रुपये हर महीने अगर निवेश किया, कोई पर्टिकुलर XYZ मैंने स्कीम में डाला जिसमें 10 रुपये NAV चल रही थी, और बाद में देखिए फिर मुझे मिलते हैं ये यूनिट्स, जैसे हम क्वांटिटी बाय करते हैं इक्विटी में वैसे यूनिट्स मिलते हैं, तो भी 10 रुपये है तो यहाँ पे 200 यूनिट्स मुझे मिलेंगे, प्राइस कम हो गया तो 286 यूनिट्स मिलेंगे। इसीलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म वराइजन के लिए देखा जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखा जाता है। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हो, ठीक है, तो यही इसकी ब्यूटी होती है कि जब ये NAV घटता है तो आपको नंबर्स ऑफ यूनिट दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी ये SIP में होती है और यही आपको काम में आएगी लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे भी जैसे देखिए, देखिए 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर जैसे जैसे ये NAV बढ़ते गया आपको यहाँ पे क्वांटिटी कम मिलेगा क्योंकि प्राइस ये बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस अगर ड्रॉप होता है तो ज़्यादा होता है, राइट, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, तो यही इसका प्लस पॉइंट होता है। फिर एंड ऑफ द ईयर फिर आपको मिले 1551 जो है यूनिट्स मिले आपको, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 24,000 रुपीज़। तो अगर इसके रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो रिटर्न इसमें है 187%, क्योंकि
15.51 × 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे अमाउंट आती है 44,900, जो मेरे इन्वेस्टमेंट की 187% रिटर्न है। तो ये ब्यूटी है म्यूचुअल फंड में इसलिए, लेकिन लॉन्ग टर्म टाइम वर्जन के लिए आपको इसको देखना है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड SIP भी वर्क करता है, ठीक है। तो SIP भी आप अलग अलग जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है उसमें कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट। यस दोस्तों, इसमें कैसा होता है कि जो आप अर्न कर रहे हो म्यूचुअल फंड से दोस्तों, ये अर्निंग कैपिटल गेन में आती है, खास करके कैपिटल एप्रिसिएशन वाली। और दूसरा जो रेगुलर आप ले रहे हो डिविडेंड या इनकम ले रहे हो डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, ये दो यहाँ पे आपको अर्निंग्स मिलते हैं। तो जो कैपिटल गेन वाला होता है ये आपको टैक्सेबल होगा ही, क्योंकि आपको इसको पे देना है, पे करना है आपको गवर्नमेंट को। लेकिन टैक्स जो होते हैं डिविडेंड का, ये डिविडेंड का टैक्स ऑलरेडी फंड जो चलाने वाली कंपनी होती है वो दे चुकी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही दे चुकी होती है। मतलब अगर मुझे कोई 10,000 रुपये अगर सालाना कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है, म्यूचुअल फंड मुझे म्यूचुअल फंड के ऊपर 10,000 रुपये मिल रहा है मुझे, ओके, डिविडेंड म्यूचुअल फंड के ऊपर, ये 10,000 के ऊपर ऑलरेडी वो जो AMC कंपनी है उसने टैक्स जो है पे किया हुआ है दोस्तों, तो मुझे वापस अगेन एंड अगेन टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये डिविडेंड जो है, डिविडेंड इनकम एक टैक्स फ्री हो जाता है, ये बहुत एक बढ़िया चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी। और जो रिटायर पर्सन है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते मार्केट में, वो डिविडेंड इनकम के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल गेन टैक्स जो है ये आपके होल्डिंग टाइम के ऊपर भी है काफ़ी। जो ELSS अगर फंड में आप जाते हो तो ELSS फंड में आपको यहाँ पे 150,000 जो है यहाँ तक आपको रिबेट ATC के अंडर भी मिलता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 3 साल के लिए लॉकिंग होता है। लेकिन बाकी सारे जो शॉर्ट टर्म वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म वाले म्यूचुअल फंड, इक्विटी वाले जितने सारे म्यूचुअल फंड है ELSS छोड़ के, फिर ये टैक्स में आपको आ जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे अभी इसमें कैसे होता है कि अगर आप 1 साल तक कोई होल्ड करते हो 1 ईयर के लिए, तो आपको 10% टैक्स है, सॉरी 15% टैक्स है अगर इसके बीच में करते हो, और 3 साल 3 साल के ऊपर है तो कुछ 10% ऐसे कैपिटल गेन के ऊपर आपका टैक्स है दोस्तों। तो थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है, टैक्सेशन भी आपको ये बेनिफिट लेके जा सकता है। तो यही मुझे आपको बताना था कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। तो इसमें ब्यूटी यही है दोस्तों कि आपका जो SIP है ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपको काम में आ सकता है। इसलिए SIP जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करिए। हमारे बुजुर्ग हमेशा हमसे कहते हैं और कहते थे, क्योंकि हम क्या करते हैं उनका सुनते नहीं ना, इसलिए तो रिस्पेक्ट करिए जो वो उनका एक्सपीरियंस है, हमारे अच्छे के लिए ही होता है। वो हमेशा कहते हैं कि आपके इनकम का 75% मनी आप क्या करिए, सेव करिए, तभी जाके आपके पास कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नेक्स्ट जिंदगी में कभी आएगा नहीं। तो अगर आपके फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी करने चाहते हो तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आपको काम में आएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि लाइबिलिटी कम करिए और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा तो ही आपकी वेल्थ क्रिएट होगी दोस्तों, ओके। जितनी लाइबिलिटी कम होगी, सेविंग ज़्यादा करोगे उतना बेटर रहेगा। तो 75% अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, या फिर आप थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करते हो हर महीने में, तो SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू दोस्तों। इसमें आप कभी भी जाइए, मार्केट में अपॉर्चुनिटी 24/7 ओपन होती है। आपको लगता है आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में भी आप जा सकते हो, गोल्ड के भी ETF होते हैं, ओके। तो ETF के ऊपर भी वीडियोज़ है हमारे पास कि ETF है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आप इंडेक्स में जाना चाहते हो तो इंडेक्स में भी ETF में जा सकते हो। म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने अभी बताया काफ़ी सारी स्कीम्स है उसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।